मंगलौर विधानसभा उपचुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर भाजपा ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कि एक बार इस पार्टी की सरकार और दूसरी बार चुनाव होता है तो दूसरी पार्टी की सरकार, ये मिथक 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने तोड़ दिया, एक इतिहास बना दिया। आप सबके समक्ष भी एक मौका है कि आप इस बार यहां का ये मिथक तोड़ेंगे। और मैं जिस प्रकार से देख रहा हूं, पिछले 2-2.5 घंटों में मैंने आप सबके बीच में देखा है, जिस प्रकार की ऊर्जा, इतनी चिलचिलाती धूप गर्मी, इस उमस भरी गर्मी में भी आप सबका जो मैं उत्साह देख रहा हूं, आप सबके अंदर जो ऊर्जा देख रहा हूं, भाइयों बहनों, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि इस बार आप सारे मिथक तोड़ने वाले हैं और यहां कमल का फूल खिलाने वाले हैं। 10 जुलाई को भाई करतार भड़ाना जी को भारी बहुमत से जिताकर मंगलौर विधानसभा में एक बार कमल का फूल खिला दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितने सारे यहां के अनेक काम इस क्षेत्र में होने हैं, भाइयों बहनों, मेरी उंगली के सामने लिपा हेडी गांव जो हाईवे और गांव को जोड़ने वाला पुल है, एक नहीं 25-30 गांव के आगमन के लिए जो पुल क्षतिग्रस्त है, उसको निश्चित रूप से चुनाव की आधार संहिता लगी हुई है। इस समय में कोई घोषणा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आप सबसे वायदा कर रहा हूं कि जिसको उत्तर प्रदेश का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करूंगा कि मेरे इस क्षेत्र के लोगों के लिए इस पुल का मुझे निर्माण करवाना है, आप भी इसमें हमको सहयोग दीजिए। भाइयों बहनों, मंगलौर बाईपास की समस्या का भी पता है, उसके लिए भी निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये सारे काम आगे बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ मुंडलाना बाईपास का कार्य भी, यह भी मुझे पता है कि यह भी होना है। मंगलौर शहर में पानी की समस्या भाइयों बहनों कभी किसी ने बताया नहीं, अब हमारे भड़ाना जी आए तो भड़ाना जी ने मुझे कल रात को ही बोला कि यहाँ बारिश के समय में लोग कह रहे हैं इतनी पानी की समस्या है, जल भराव हो जाता है। इसके लिए निश्चित रूप से भाइयों बहनों, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझते हैं कि आगे हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। भाइयों बहनों, यानी कि कोई चुनाव का समय है इसलिए आप सबके बीच में आकर ये सब बातें कह रहे हैं। मंगलौर विधानसभा के युवा साथियों के लिए इतना लंबा समय हो गया, कोई खेल का मैदान नहीं बना है। भाइयों बहनों, कभी हमने एक निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी शहरों में हमारे खिलाड़ियों के लिए हम आने वाले समय में अच्छे खेल मैदान बनाएंगे, हाईटेक मल्टीपर्पज हॉल बनाएंगे। किसान भाइयों की समस्या के लिए, जो गन्ने की समस्या है उसके लिए भी भाइयों बहनों हमने संकल्प लिया है कि उनके लिए भी काम करेंगे, चाहे अनुसंधान केंद्र बनाना होगा उस दिशा में भी काम करेंगे। मंगलौर विधानसभा के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए यहाँ पर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र के हमारी बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मंगलौर समेत पूरे उत्तराखंड और देश का नाम रोशन करें, उनके लिए लाइब्रेरी बनाने की आवश्यकता होगी। भाइयों बहनों, तो उस दिशा में भी, क्योंकि हम चाहते हैं पढ़ लिख कर वह भी देश में अपनी देश को अपनी सेवाएं दें। इसके साथ साथ चाहे खेल के लिए, चाहे उनके शारीरिक फिटनेस के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए ओपन जिम बनाना होगा।